एयरलाइन है वो आपको एक अमाउंट पे करती है स्टाइपेंड। आपको जो मेन खर्चा करना होता है वो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है सब कोलकाता दिल्ली बॉम्बे। एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस ही होटल अकोमोडेशन दिया जाएगा। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको क्या क्या सामान लेके जाओ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो। गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। माय नेम इज सिमरन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंडिगो ट्रेनिंग। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, कितनी ट्रेनिंग फी देनी होती है, होटल अकोमोडेशन मिलता है या नहीं मिलता है, या खुद से रेंट पे लेना पड़ता है, फ्री फ्लाइट टिकट्स होते हैं या नहीं होता है, खाना कैब फैसिलिटी हर एक चीज़ रिलेटेड टू योर इंडिगो कैबिन क्रू ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडीज, अगर आपने इंडिगो का कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और आप ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो। जो लोग नहीं अभी तक क्लियर हुए हैं या जिन्होंने अभी तक कैबिन क्रू इंटरव्यू नहीं दिया है वो लोग प्लीज़ मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने इंडिगो के इंटरव्यू डेट्स बताए हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन जो कि किसी भी कैंडिडेट के मन में आएगा जो कैबिन क्रू बनना चाहता है कि कितने पैसे लगेंगे, कितनी ट्रेनिंग फीस देनी पड़ेगी, कितना अमाउंट देना पड़ेगा जिसके बाद कि आप कैबिन क्रू बन जाओ। तो जो इंडिया में अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई करते हो तो जो आपको अमाउंट देना पड़ता है वो देना पड़ता है 50,000 से 75,000 के बीच में। व्हेन इट कम्स टू इंडिगो एयरलाइंस आपको देना पड़ता है 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट, और वो भी देना होता है जब आप अपनी सारी की सारे इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर देते हो, आप जाते हो अपने ट्रेनिंग के लिए, उस टाइम पे आपको देना पड़ता है 50,000 का अमाउंट जो कि होता है रिफंडेबल। आपको 3 ईयर्स तक अगर आप कंपनी में बने रहते हो, अगर आप काम करते रहते हो तो 3 ईयर्स के बाद आपको 50,000 नहीं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है वापस, रिफंड होके आता है वो आपको, ठीक है। तो कुछ लॉस नहीं है, काम करना है, जो 50,000 दिए हैं उससे ज़्यादा ही आपको वापस मिलना है आफ्टर 3 ईयर्स। तो चलो ठीक है आपने दे दिया 15,000, बट जब आप गुड़गांव पहुंचोगे जहां पे इंडिगो की ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां कैसे पहुंचोगे, वहां कहां रहोगे? तो अगर आप लखनऊ से हो, जयपुर से हो, उदयपुर से हो या इंडिया में किसी भी सिटी से हो तो वहां से आपको फ्लाइट की टिकट दी जाएगी गुड़गांव तक आने के लिए। आपको एयरपोर्ट पे कैब लेनी आएगी जो कि आपको लेके जाएगी इंडिगो के गेस्ट हाउस तक। तो आप जैसे ही गुड़गांव पहुंचोगे उस दिन से आपको 15 डेज का अकोमोडेशन दिया जाता है, पूरा का पूरा कंपनी के साइड से खाना पीना रहना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उन 15 डेज में आपको ढूंढना है अपने लिए पीजी, ठीक है। अब आपने पीजी भी ले लिया है, अब क्या है, पैसे कहाँ से दोगे इन सारी चीज़ों के यार? तो इंडिगो जो है या कोई भी एयरलाइन है वो आपको एक अमाउंट पे करती है जो कि होता है स्टाइपेंड, जो कि आप अपना सैलरी मान लो होता है, जो कि होता है 15,000 तक, 13,000 to 15,000 आपको आ जाता है उन 3 महीनों के लिए, जिसमें आप इजीली अपना खाना पीना रहना घूमना फिरना सब कुछ मैनेज कर लेते हो। ट्रस्ट मी मैंने भी किया है। तो उस टाइम जो वो 13,000 होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ ठीक है यार सब कुछ हो जाएगा इतने पैसों में। अब अगर आप पीजी ले लेते हो तो आप ट्रेनिंग सेंटर तक कैसे जाओगे? तो जो कंपनी है वो आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपके पीजी से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक, ट्रेनिंग सेंटर से आपके पीजी तक। लंच आपको इंडिगो के ट्रेनिंग सेंटर में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लंच नहीं खाना है, अगर आपको स्नैक्स खाना है तो वहाँ पे ही कैंटीन है, वहाँ से आप कुछ खरीद के भी खा सकते हो। आपको जो मेन खर्चा करना होता है वो करना होता है मेकअप प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि आप जैसे ही ट्रेनिंग में जाते हो आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताए जाते हैं जो कि इंडिगो के या किसी भी एयरलाइन के रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको उस पर थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि इंटरव्यू देने अगर जा रहे हो तो प्रोडक्ट्स पे खर्चा मत करो, जो प्रोडक्ट्स है वही यूज़ करो, क्योंकि जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको वैसे भी एयरलाइन बोलेगी कि आप ये जो हमारे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स है ये खरीदो। सो इट्स बेटर कि इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो अवेलेबल है आपके पास सिर्फ वही सारी चीजें आप यूज करोगे। उसके बाद गाइज वंस यू आर डन विद द ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, सब कुछ हो गया है, आप ग्रेजुएट हो गए हो और अब आप जा रहे हो अपने बेस पर जो कि होगा आपका वर्क बेस। अब आप इंडिगो के जो बेस हैं वो है पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, इंदौर। तो इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करते हो बेस या जो भी कंपनी आपको बेस देती है वहाँ आप जाते हो तो वहाँ की भी टिकट आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है। एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस आपको दिया जाता है 150 kgs तक का, आप सामान लेके जा सकते हो अपने साथ में, ठीक है। आपको वहाँ पर भी होटल अकोमोडेशन दिया जाएगा 15 डेज के लिए। उन 15 डेज में अब आपको ढूंढना पड़ेगा कोई घर या कोई पीजी, बट ट्रस्ट मी अगर आप
अपने बेस पर जा रहे हो ना, तो आप पीजी की जगह घर ही खरीदना, एक फ्लैट ही रेंट पे लेना, पीसफुली रह पाओगे। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको क्या क्या सामान लेके जाना है अपने साथ में, आपको लेके जाना है जो भी आपके पास अवेलेबल मेकअप प्रोडक्ट है वो। हील्स लेके जानी है, फॉर्मल हील्स लेके जानी है। उसके अलावा आपको फॉर्मल कपड़े लेकर जाना है, शर्ट पैंट स्कर्ट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, ब्लेजर वो सब लेके जाओ। ठीक है, घूमने फिरने भी डेफिनेटली आप जाओगे, अगर दिल्ली आ रहे हो तो थोड़े बहुत कैजुअल कपड़े भी आप लेकर आओगे। नाइट ड्रेस लेकर आना, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने साथ कैरी करके रखना, ठीक है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सारी बातें तो हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गई हैं। अब आप बहुत सारे लोग पूछते हो कि मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ क्या इंटरव्यू देने के पहले, तो यार बहुत ही मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे। डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी और योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, क्योंकि इवेंचुअली आप चाहे ट्रेनिंग करो चाहे ना करो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या ना करो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो किसी भी एयरलाइन में तो आपको वहां पर भी पैसे भरने पड़ेंगे। तो व्हाई यू वांट टू वेस्ट दैट मनी? तो प्लीज खुद से प्रिपेयर करो, यूट्यूब से देखो वीडियोज या फिर गूगल से पढ़ाई करो अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं इंटरव्यू में। ऐसा कोई तीर नहीं मारना है आपने कि जिसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़े। सो गाइस, सेव योर मनी और डू नॉट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट अंटिल एंड अनलेस इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन एंड इफ यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि आपको इंग्लिश नहीं आती है एंड देन यू वांट टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, तो ठीक है कोई इंग्लिश कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो जहाँ पे वो लोग आपको सिखाएं इंग्लिश बोलना पढ़ना, ठीक है, वरना वो भी यूट्यूब से सीख सकते हो। मैंने तो यार अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर यूट्यूब के थ्रू ही करा था, तो आई विल सजेस्ट यू सेम थिंग कि आप यार फ्री में जब कंटेंट अवेलेबल है तो व्हाई डू यू वांट टू पे एक्स्ट्रा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी आपको कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपका एयरलाइन में करवा दूंगा या किसी होटल में करवा दूंगा, ठीक है, आपकी जॉब लगवा दूंगा, तो वो सारी चीज़ें फेक होती है, क्योंकि जो एयरलाइंस के इंटरव्यू होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उसके लिए आपको एक रुपया भी नहीं देना होता है। तो किसी के भी झांसे में मत आना, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड। डू नॉट गिव मनी टू एनीवन, क्योंकि अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो आप खुद से ही इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। एंड आई होप यू ऑल एंजॉय योर ट्रेनिंग डेज, बहुत मजे करना ट्रेनिंग डेज में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, इंडिगो नहीं किसी भी एयरलाइन में अगर सिलेक्ट हो जाते हो, ट्रस्ट मी वो डेज जो होते हैं वो गोल्डन डेज होते हैं आपके। इतना मजा आता है, इतनी पढ़ाई करनी होती है, मतलब देख रहे हो बोलते बोलते कैसे आंखों में पानी आ गया है मेरे। सो यू विल एंजॉय दोज डेज और मजे करना। आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।